एक साधु था जो देसी दवाई बनाता था। उसके रसोड़े में एक बर्तन था जो दवा बनाने के दौरान जल गया और उसकी तली में बहुत काला मैल भी जम गया। वह कई महीने तक पड़ा रहा पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। सेवक आते रहे और जाते रहे, यहां तक कि उसके घर में वेतन भोगी कर्मचारी भी देखकर अनदेखा करते रहे। अंततः उसने स्वयं उसे साफ करने का निश्चय किया, परंतु वह बर्तन इतना जला हुआ था कि उसमें मैल बुरी तरह से जमा हुआ बाहर निकल ही नहीं रहा था। पहले प्रयास में साफ ना हो सका तो उसने उसको पानी में रख दिया। पानी में रखने के बाद भी वह नहीं गला। मैल जटिल था, टस से मस ना हुआ। अंततः उसने कई दिन बाद दोबारा से प्रयास किया और पत्थर का टुकड़ा लेकर उसको रगड़ना शुरू कर दिया। गुरु कृपा से कि उस दिन वह बर्तन तो साफ हो गया, परंतु पूर्णतः नहीं, और बर्तन में खरोच भी पड़ गए। बर्तन को साफ करने से उसे बहुत संतोष मिला, साथ ही गुरु प्रेरणा मिली कि यह बर्तन तो दृश्य है जिसे हम साफ कर सकते हैं, लेकिन मन रूपी बर्तन तो अदृश्य है जिसमें हर क्षण कुछ ना कुछ पकता रहता है। जलन, ईर्ष्याएं, इच्छाएं और भी पता नहीं क्या क्या जो जलकर मन रूपी बर्तन की तली में जमता जाता है, जो हमें कभी नजर नहीं आता, तो भी हम अनदेखा कर देते हैं और कभी साफ करने का विचार करते भी है तो भी हिम्मत नहीं पड़ती। परंतु जब गंदगी युक्त बर्तन में खाना पकाने से खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं तो रोगी हो जाते हैं। गंदगी युक्त मन में पलने वाले विचारों से हमारी आत्मा कितनी बीमार होती होगी और कितने कर्म फल रूपी पत्थर से वो रगड़ खाएगी। जैसे बर्तन को कई दिन लगे तो आत्मा को कितने जन्म लगेंगे। सच पूछो तो हमारी चिंता, तनाव, अशांति यह उसी गंदगी युक्त मन में पकने का परिणाम है। यह मोटापा, बीपी, शुगर आदि रोग हमारे उसी गंदगी युक्त भोजन का ही परिणाम है। सोचता हूं कितना जन्म गवा दिया। यह बर्तनों की मैल तो धुल जाएगी, लेकिन यह मन में जमा मैल किस प्रकार से धुलेगा? विचार कीजिएगा, और इस विचार से यदि आपकी आंखें चश्मों खुल गई हो तो इस पर अमल करना शुरू कर दीजिएगा। मेरा काम था आपकी आंखें खोलना और एक अच्छी, सच्ची, सही दिशा देना, जो मैंने किया। धन्यवाद।